हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू अमर सर इंग्लिश क्लासेस. स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद पास्ट इनडेफिनेट टेंस. पास्ट सिंपल के नाम से भी इसको जानते हैं. ये टेंस बहुत ही इम्पॉर्टेंट टेंस है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि इस टेंस में कुछ बातें ऐसी हैं जिनका हमें विशेष ध्यान रखना होता है, और मेनली गलतियाँ इस टेंस में बच्चों के द्वारा आम होती हैं. तो इस टेंस को बड़े क्लियर वे में हम इसमें पढ़ने वाले हैं. शुरू करने से पहले मैं चाहूँगा कि जिन्होंने इस चैनल को आज फर्स्ट टाइम देखा है या जिन्होंने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो काइंडली इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें, ताकि आपको लेटेस्ट एपिसोड्स की अपडेट्स मिलती रहें. तो चलिए शुरू करते हैं. फर्स्ट वील नो अबाउट द डेफिनेशन ऑफ पास्ट इनडेफिनेट टेंस. देखिए, पास्ट इनडेफिनेट टेंस जो है ये ऐसे कार्यों को प्रदर्शित करता है जो कि पूर्ण हो चुके हैं पास्ट में, यानी कि वो कार्य जो बीते कल में पूर्ण हो चुके हैं. इट ऑफन अकर्स विथ एडवर्ब्स और एडवर्ब फ्रेजेज ऑफ पास्ट टाइम. इसमें प्रयुक्त कुछ एडवर्ब फ्रेजेज होते हैं जो बीते कल को प्रदर्शित करते हैं. जैसे एग्जांपल के लिए देखिए, आई रिसीव्ड ए लेटर ए वीक अगो. यानी यहाँ पर ए वीक अगो, एक सप्ताह पहले मैंने एक पत्र प्राप्त किया था. तो ये सिंपल पास्ट का बोध करा रहा है हमें. ही लेफ्ट स्कूल लास्ट ईयर. नाउ दिस लास्ट डिनोट्स अस द पास्ट टाइम, एंड हियर वी हैव टू यूज वर्ब्स सेकेंड फॉर्म. ही लेफ्ट. वी मेट हर यस्टरडे. यस्टरडे इज ऑल्सो डिनोटिंग द पास्ट टाइम, यानी बीते कल का बोध करा रहा है. तो ये कुछ ऐसे एडवर्ब फ्रेजेस हैं जिनका प्रयोग हम जनरली इसमें पाते हैं. फिर ये एक्सप्रेस करता है पास्ट हैबिट्स को. पास्ट हैबिट्स, जो हमारी आदतें होती हैं, जो पुरानी आदतें होती हैं, उनको इसमें प्रदर्शित किया जाता है. जैसे ही स्टडीड मैनी आवर्स, वो कई घंटे पढ़ता था. वह कई घंटे पढ़ता था. शी ऑलवेज कैरीड एन अम्ब्रेला, वह हमेशा एक अम्ब्रेला अपने साथ रखा करती थी. तो ये सभी जो है बीते कल की के कार्य को प्रदर्शित करते हैं. सेंटेंसेज एंडिंग विद एडवर्ब और एडवर्ब फ्रेजेज ऑफ पास्ट टाइम. हमें कुछ एडवर्ब फ्रेजेज को इसमें ध्यान में रखना है जिनके प्रयोग मात्र से हम उस सेंटेंस को जज कर सकते हैं कि वो सेंटेंस सिंपल पास्ट का है. जैसे यस्टरडे, अगो, लास्ट, इन 2000, सो एंड सो, नेवर. तो इनका प्रयोग जो है वो हमें वाक्य में ध्यानपूर्वक देखना है, और इनके पाए जाने से उस वाक्य को हम बड़ी इजीली जज कर सकते हैं कि वह सेंटेंस हमें किस में दिया हुआ है, सिंपल पास्ट में दिया हुआ है. तो देखिए, पास्ट इनडेफिनेट टेंस, जिसको सिंपल पास्ट के नाम से भी जानते हैं. अब इसमें पहचान की बात करें तो देखिए, जिन हिंदी वाक्यों के अंत में ता था, ती थी या ते थे का बोध होता है, जनरली उन वाक्यों को हम किस में लेते हैं, सिंपल पास्ट में लेते हैं. तो स्टूडेंट, सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं इसके फॉर्मेशन की. तो देखिए, फॉर्मेशन में सबसे बड़ी बात जो हमें ध्यान में रखनी है वो क्या, कि जब भी हम एफर्मेटिव वाक्य को बनाते हैं, एफर्मेटिव वाक्य को बनाने के दौरान हमको सबसे पहली बात ध्यान रखनी है कि हेल्पिंग वर्ब जो है वो हम इसमें काम में नहीं लेंगे. So there will not be any helping verb when we frame a sentence in affirmative sentence. Helping verb इसमें क्या आती है, did. तो did जो helping verb है, इसका प्रयोग हमें कहाँ नहीं करना है, affirmative sentence में, यानी सकारात्मक वाक्य में नहीं करना है. और main verb जो है, main verb इसमें आएगी second form में, मुख्य क्रिया आएगी इसमें second form में, जिसका प्रयोग हमें करना होता है. तो जनरली ये बात हमें इसमें ध्यान रखनी है. उसके बाद नेगेटिव इंट्रोगेटिव, नेगेटिव हुआ, इंटरोगेटिव हुआ और इंट्रो नेगेटिव हुआ, इन वाक्यों में हमें ध्यान रखना है कि इन वाक्यों में हम हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे. यानी कि यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब डिड जो है वो आएगी, प्लस मुख्य क्रिया जो है, मेन वर्ब जो है, वो यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म में आएगी, न कि सेकंड फॉर्म में. तो देखिए, यही कुछ अंतर ऐसा है जिसको हमें विशेष ध्यान रखना है कि जब भी वाक्य एफर्मेटिव हो तो हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं करना है,
मुख्य क्रिया सेकेंड फॉर्म में आएगी। नेगेटिव इंट्रोगेटिव और इंट्रो नेगेटिव सेंटेंसेस जब भी फ्रेम होंगे स्टूडेंट्स, तो उनके अंदर में डिड का प्रयोग होता है और उन वाक्यों में मुख्य क्रिया जो है वो फर्स्ट फॉर्म में आती है। तो ज़्यादातर कन्फ्यूजन इसी पार्ट में होती है जहाँ बच्चे इस बात को अवॉइड कर जाते हैं और स्टूडेंट इस कारण से आपके मार्क्स भी कट जाते हैं। तो चलिए अब इसके स्ट्रक्चर्स पे हम चर्चा करते हैं। व्हाट आर द स्ट्रक्चर्स ऑफ दिस पर्टिकुलर टेंस। सो स्ट्रक्चर्स में स्टूडेंट सबसे पहले अपन देखते हैं एफर्मेटिव सेंटेंस को। एफर्मेटिव वाक्य का स्ट्रक्चर, उसके बाद नेगेटिव, फिर इंट्रोगेटिव और इंट्रो नेगेटिव। तो देखिए स्टूडेंट्स, इसके स्ट्रक्चर को एफर्मेटिव का स्ट्रक्चर जो बनेगा स्टूडेंट, वो बनेगा सब्जेक्ट प्लस मुख्य क्रिया सेकेंड फॉर्म में और ऑब्जेक्ट, इसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं आती। जब नेगेटिव बनाते हैं तो सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब का हम इसमें प्रयोग करते हैं, वो होती है डिड, नॉट, और मुख्य क्रिया जो है वो फर्स्ट फॉर्म में आ जाती है और अंत में ऑब्जेक्ट। इसी प्रकार इंट्रोगेटिव में डिड सबसे पहले, यदि कोई डब्ल्यू एच वर्ड है तो वो डिड से पहले आएगा, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद मुख्य क्रिया जो कि फर्स्ट फॉर्म में आती है और ऑब्जेक्ट, और अंत में विल पुट द क्वेश्चन मार्क। इसी प्रकार इंट्रो नेगेटिव में डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वी वन प्लस ऑब्जेक्ट, और अंत में हमें क्वेश्चन मार्क लगाना होता है। तो देखते हैं इन पर कुछ सेंटेंसेस जिनसे ये हमारा टॉपिक ज़्यादा क्लियर होगा। तो फर्स्ट वन देखते हैं, आई स्टडीड हिस्ट्री, आई स्टडीड हिस्ट्री यस्टरडे। ठीक है, कि मैंने कल इतिहास पढ़ा था। ही कॉल्ड अस फॉर ए पार्टी ए वीक अगो, यानी उसने एक सप्ताह पहले हमें एक पार्टी के लिए बुलाया था। दे प्लेड, दे प्लेड क्रिकेट इन 2009। तो देखिए इन वाक्यों में बहुत साफ साफ समझ में आ रहा है कि बीते कल के एडवर्ब्स लगे हुए हैं और उसके हिसाब से हमने एज पर स्ट्रक्चर्स एग्जांपल्स लिए हैं। अब इनको नेगेटिव बनाए तो आई डिड का प्रयोग होगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिंगुलर सब्जेक्ट हो या प्लूरल हो, फर्स्ट पर्सन हो, सेकेंड पर्सन हो, थर्ड पर्सन हो। डिड के बाद नॉट, और यहाँ हमें ध्यान रखना है कि जो वी टू फॉर्म है उसका हमें फर्स्ट फॉर्म चाहिएगा। डिड नॉट स्टडी हिस्ट्री यस्टरडे। ही डिड नॉट कॉल अस फॉर ए पार्टी ए वीक अगो। ठीक है, दे डिड नॉट प्ले फर्स्ट फॉर्म क्रिकेट इन 2009। इसी प्रकार इंट्रोगेटिव, डिड आई स्टडी हिस्ट्री यस्टरडे, और क्वेश्चन मार्क। डिड ही कॉल अस फॉर ए पार्टी ए वीक अगो, एंड क्वेश्चन मार्क। लास्ट वन,
Did they play cricket in 2009 and question mark. Now intro negative में हमें not का ध्यान रखना है और remaining will be the same. Did I not study history yesterday? ठीक. Did he not call us for a party a week ago? इसी प्रकार last one. Did they not play cricket in 2009 है क्वेश्चन मार्क. तो इस प्रकार स्टूडेंट्स इन सेंटेंसेस के माध्यम से हम इस चीज़ को बहुत हद तक रेक्टिफाई कर पाएँ, समझ पाएँ. और इन चीज़ों का हमें विशेष ध्यान रखना है, जब भी अफर्मेटिव सेंटेंस हो तो वर्ब सेकेंड फॉर्म में, मुख्य क्रिया हेल्पिंग वर्ब अफर्मेटिव सेंटेंस में नहीं आती. नेगेटिव सेंटेंस में डिड का प्रयोग हो जाता है, हेल्पिंग वर्ब का यूज़ होता है और मुख्य क्रिया किस में आती है, फर्स्ट फॉर्म में, जैसा कि आप सेंटेंस में देख रहे हैं. तो ये दो बातें हमें विशेष ध्यान रखनी है और इनका यदि ध्यान रखते हैं तो सिंपल पास्ट टेंस में भी किसी प्रकार से प्रॉब्लम नहीं आएगी. आई होप दैट यू हैव अंडरस्टूड दिस एंड इफ यू हैव अंडरस्टूड प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक माय चैनल. विद दैट वी कम टू एन एंड. थैंक यू.